नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना में पुलिस कर्मचारी की महिला दोस्त ने खुद को मारी गोली, इलाज दौरान हुई मौत। फरीदकोट की थाना सिटी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को किया काबू, 7 चोरीशुदा मोटरसाइकिल किए बरामद। लुधियाना पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को माननीय अदालत में किया पेश, 14 दिन का पुलिस रिमांड किया हासिल। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 8 के अधीन आते इलाके प्रेम नगर में पुलिस कर्मचारी की महिला दोस्त द्वारा जन्मदिन के उपहार को लेकर हुए विवाद में खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आत्महत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर पुलिस कर्मचारी की निजी लाइसेंसी रिवॉल्वर बताई जा रही है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा ने बताया कि यह घटना देर शाम घटित हुई। लड़की का पुलिस कर्मचारी के साथ रिश्ता था, जिसने किसी बात को लेकर पुलिस कर्मचारी की निजी लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ खुद को गोली मार ली, जिसके बाद लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि यह जांच का विषय है कि पुलिस कर्मचारी ने उसे अपनी रिवॉल्वर क्यों दी थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। तो फायर आर्म इंजरी करके एक लेडी जो है, ही वाज सीरियसली इंजर्ड, टेकन टू द हॉस्पिटल अंडर ट्रीटमेंट, जो लास्ट मुझे जितनी चीज पता है। और उसके बाद ये पता चला था कि उसके कोई ना कोई किसी के साथ वो रिलेशनशिप में थी, जो अपेरेंटली एक पुलिस पर्सनल है, और उसके साथ में उसके किसी किस्म की कल हुई अनबन हुई है, और उसके बाद उसने जाकर के घर पे स्टेप लिया है। जो ये रिवॉल्वर है या जो फायरआर्म यूज़ हुआ है, ये अपेरेंटली उस पुलिस पर्सनल का है। इसके अलावा बाकी सरकमस्टेंसेस जो है, उनके ऊपर सारे काम चल रहा है, और इसके अंदर जो भी होगा हम पारदर्शिता के साथ सामने लेकर के आएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। सर, रिवॉल्वर सरकारी था जो पुलिस कर्मी का? नहीं, जो है उसके पास प्राइवेट अपना लाइसेंस्ड वेपन था, और वो क्यों उस लेडी के पास था अवेलेबल, और क्या उस लेडी ने खुदकुशी करी है और खुद को मारा है, और क्या सरकमस्टेंसेस थे, ये सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं। फरीदकोट पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी के इंचार्ज संदीप सिंह ने बताया कि थाना सिटी पुलिस ने ज्ञानी जैल सिंह मार्केट में से उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गुरसिमरन निवासी गांव डाला जिला मोगा के तौर पर हुई है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पुराने शुगर मिल के नजदीक झाड़ियों में छुपाकर रखे हुए चोरी के 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है, ताकि आरोपी का रिमांड हासिल किया जा सके, जिससे पूछताछ करने के बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, चेकिंग के दौरान सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुरसिमरन सिंह पुत्र टॉप सिंह वासी डाला जिला मोगा, ये तो फरीदकोट के विचों अलग अलग जगह तो मोटरसाइकिल चोरी कर आती है, जिन्होंने अगली जाकर बेचा है। सो असी इस व्यक्ति को गुरसिमरन सिंह काबू करके निशानदेही के उत्ते 7 मोटरसाइकिल जो बरामद किए गए हैं, तो बाकी का रिमांड लैके होर मोटरसाइकिलों की बरामदगी की उम्मीद है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लुधियाना अदालत में पेश किया गया। लॉरेंस बिश्नोई को बेशक एक पुराने कत्ल केस मामले में माननीय अदालत में पेश किया गया है, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक केबल का काम करने वाले व्यक्ति का कत्ल किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा से ट्रांजिट रिमांड पर लुधियाना लाया गया है। यहां माननीय अदालत के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड मांगा गया था, जिसके बाद माननीय अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को 12 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब लॉरेंस बिश्नोई को 12 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट।
थाना मेहरबान हाँ जी ईस्ट साउथ डिवीजन के मेहरबान थाने के 302 के केस च लॉरेंस बिश्नोई का अज 12:10 तक जो है वो सानू रिमांड मिले भी गोलियां मार के कतल होया हुआ। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल लुधियाना में निगम चुनावों को लेकर लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। इस दौरान लुधियाना के कई इलाकों में मीटिंग करने के बाद वे लुधियाना के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में नतमस्तक हुए, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि पंजाब सरकार हर जगह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार ने अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। किसानों के साथ वायदा किया गया था कि उन्हें पराली का प्रबंध करवाया जाएगा और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, पर किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। सुखबीर बादल ने कहा कि सरकार सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रही है। इस दौरान सुखबीर बादल ने रवनीत बिट्टू पर भी जमकर निशाना साधा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। अमृतसर में शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस को समर्पित एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि शहीदों की सोच को जिंदा रखने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए शहीदों के दिवस मनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहली बार शहीद भगत सिंह की जयंती इतने जोश और उत्साह के साथ मनाई गई है और इस तरह का जोश और उत्साह लोगों का भविष्य के बदलाव के प्रति प्रमाण है। उन्होंने कहा कि शहीदों द्वारा दिए गए सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे और उन्हें खुशी और संतुष्टि है कि वे इस बदलाव को आम लोगों के रूप में देखेंगे। वहीं इस कैंडल मार्च में बच्चों और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। यह कैंडल मार्च विभाजन संग्रहालय से शुरू होकर जलियांवाला बाग में जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर DC हरप्रीत सिंह सूदन ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों और बच्चों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो आज साढ़े बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी साढ़े शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का 115वां जन्म दिहाड़ा है। इस मौके के उत्ते असीं अज अमृतसर दे विच पार्टीशन म्यूजियम तो लैके जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती तक कैंडल मार्च जिहड़ा वो कढ़िया, उहदे विच असीं साढ़े स्कूलों के बच्चे जिहड़े ने शामिल होए ने, साढ़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड शहर के जिहड़े पतवंते सज्जन ने वो इहदे विच शामिल होए ने। असीं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की सोच नूं जिहड़ा वो अज प्रणाम करदे आ। पंजाब में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा नशा पंजाब के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते अलग अलग सिख जथेबंदियों की ओर से अमृतसर बॉर्डर रेंज के IG मनीष चावला को एक मांग पत्र दिया गया। वहीं मांग पत्र देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिख जथेबंदियों के नेताओं ने कहा कि पंजाब में नशा बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और आए दिन नशे की हालत में नौजवानों की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते उनकी ओर से नशों के खिलाफ यह मांग पत्र IG बॉर्डर रेंज को दिया गया है ताकि नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं मांग पत्र देने के बाद IG मनीष चावला ने कहा कि नशे को रोकने के लिए पंजाब पुलिस पहले ही सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्होंने सिख जत्थेबंदियों को विश्वास दिलाया है कि जल्द ही पंजाब में से नशा खत्म किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज असीं जत्थेबंदियों नूं नाल लै करके IG बॉर्डर रेंज उन्होंने कोल अमृतसर पहुंचे हाँ कि पिंडां शहरां दे विच नशा शरेआम विक रहा है, प्रशासन नूं भी पता है पर प्रशासन ठोक जिहड़ी आ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है ते पंजाब सरकार दा भी ध्यान इधर नहीं रह गया हुण क्योंकि उन्हां कुर्सी मिल गई है सत्ता दे विच आ गए ने। पहलियां सरकारां दे उपर झूठे जिहड़े इल्जाम लगे सन सच्चे लगे सन क्यों पहलियां सरकारां ने अकाली सरकार ते कांग्रेस सरकार ने शरेआम सौदागरां नूं शह दे के नशा विकाया सी, पर हुण पंजाब सरकार जिहड़ी नवीं बनी आप वालियां दी 6 महीने हो गए ने, इन्हां ने वादा कीता सी इह 1 महीने दे अंदर अंदर नशा मुक्त पंजाब करांगे, पर नशा ज्यों दी त्यों पिंडां शहरां दे विच विक रहा है। पिंडां दे विचों सर्वा करके जिहड़े तस्कर लोग नशा वेच रहे ने उहनां दी जायदाद बनी नवीं जिहड़ी ओह जब्त भी कीती जावे, महंगीयां महंगीयां गड्डियां दे घुम्मण वाले उहनां ओह वी जायदाद जिहड़ी जब्त कीती जावे। तो इह जिहड़े हैगे बाबा बलबीर सिंह हैगे मुख सेवादार सत्कार कमेटी, इन्हां वल्लों ड्रग्स दे मसले उपर मैनूं मेमोरेंडम सबमिट किया गया हैगा जो इन्हां दी डिमांड हैगी कि ड्रग्स अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, तो पुलिस इस
ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सितारे आजकल गर्दिश में नजर आ रहे हैं। गत दिनों अमृतसर के तरन तारण रोड पर एक स्कूल में शिरोमणि कमेटी के सदस्यों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई थी और माननीय अदालत द्वारा उन पर मामला दर्ज करने की बात कही गई थी। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जो कि अमृतसर के सुल्तानविंड गाँव का है, जहां पर शिरोमणि कमेटी के सदस्यों पर गुरुद्वारा साहिब की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। तो वहीं कमेटी सदस्यों के खिलाफ पहले ही अदालत द्वारा उक्त जगह को खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक जगह को खाली नहीं किया गया है, जिसको लेकर सिख जत्थेबंदियों और इलाका निवासियों की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल और अकाली दल की सरकार के समय यह धांधली की गई थी और 10 वर्ष पहले ही एसजीपीसी के सदस्यों पर मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते अब वे जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे और गुरुद्वारा साहिब की जमीन को खाली करवाकर वहां से कब्जा छुड़वाएंगे। वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं आई है, जब उनके पास से शिकायत आएगी तो वे इस पर जरूर कार्यवाही करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आवाज तो बिल्कुल जेज है कि क्योंकि जेड़ा अपना श्रोमणी कमेटी मेंबर है भाई हरजाब सिंह जी, वह वीर वेखो साडे पिंड नूं चुण के जिहड़ा वा उह बनाया गया, वह नुमाइंदा अं उत्थे जिहड़ा श्रोमणी कमेटी दे विच भेजिया, उस बंदे ने वेखो काम की किते, नौ कनाल ते छे मरले जगह जिहड़ी गुरद्वारा साडा इतिहासिक गुरद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का वो इतिहासिक गुरद्वारे की जगह जिहड़ी उह घरां दे कोल ही इहदे ते वह नौ कनाल छे मरले जिहड़ी जगह ये दब चुका, ये केस लाया ही असीं, केस भी 10 दे विच असीं जित चुके हां। उदों सरकार जी इन्हां दी कालियां दी सी, इन्हां कोई साडी वाह पेश नहीं जाणदी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये परचा दर्ज इन्हां ते होना चाहिए, जिस तरह अगे होया वा नजेज जी जायदाद जी इवें कब्जे करने, ये जिहड़ा वा एक ते साडे गुरु घरां नूं ये बदनाम करन डे आ, भी क्योंकि वेखो ये जिहड़ा वा प्रतीक है, ये साडा सांझा वा, एक सांझी आवाज देण वाला मैसेज जिहड़ा देण वाला वा ये गुरु घर आ साडे, असीं सांझा जिहड़ा वा अज तक हर कौम नूं जिहड़ा सांझा मैसेज दिंदे आ। देखो जी अज भाई चरणजीत सिंह राणा जी वल्लों इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी ओह कॉल कीती गई है, एस जी पी सी नाल गुरु घर दीआं जिहड़ीआं जमीनां ने उहनूं एस जी पी सी दे मैंबर साहिबान वल्लों जिहड़ा आ ओह कब्जा कीता होया, इस संबंध विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। असीं बतौर इत्थे सिक्योरिटी ड्यूटी आए हुए हाँ, तो साढ़े पास अज तक जो कोई इस संबंधी रिगार्डिंग कोई कंप्लेट कोई मसला आएगा असं इनवैसटीगेट करके जो कानून मुताबिक बनती हुई कार्रवाई की जाएगी। मैं थोड़ा जा अजय रीसेंटली जी ज्वाइन किया है, मेरे देख लें असं फाइल जो भी मुकदमा दर्ज होगा वो की इनवैसटीगेशन हुई है और की स्टेटस है वो असं वेरीफाई कर लें। पट्टी के सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही उस समय देखने को मिली जब गत दिनों एक गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति जिसकी दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई थी और उक्त मृतक नौजवान के शव को सिविल अस्पताल के शव गृह की कैंडी में लाकर मृतक के पारिवारिक सदस्य घर चले गए और जब वे मृतक नौजवान गुरप्रीत सिंह के शव को लेने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे तो जब उन्होंने कैंडी खोलकर देखी तो मृतक नौजवान का शव बुरी तरह से सड़ गल चुका था, जिसे देखते ही मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया और सिविल अस्पताल के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वे इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक नौजवान गुरप्रीत सिंह के भाई गुरभेज सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल को उसकी इस लापरवाही की सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि गत दिनों जब वे अपने भाई का शव यहां रखकर चले गए थे तो वह उसी समय बंद हो गई थी, लेकिन अस्पताल के किसी भी अधिकारी ने शव गृह की इस कैंडी को चलते हुए नहीं देखा और जब उन्होंने अपने भाई के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि शव बुरी तरह से खराब हो चुका था। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पारिवारिक सदस्यों से पोस्टमार्टम करवाने के लिए 1,000 रुपये की किट भी उनसे बाहर से मंगवाई है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने हंगामे के दौरान जिला प्रशासन से यह मांग की है कि सिविल अस्पताल पट्टी के अधिकारियों पर
बनती कार्यवाही की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। वहीं इस मामले संबंधी मौके पर पहुंचे सिविल अस्पताल के डॉक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ बनती कार्यवाही की जाएगी। भीकी विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिर मेरे वीर हो गया वा, अटैक हो गया था। इतने रात मंगलवार चुक के इतने लाता वा मशीन च इन्होंने। अही कल भी इतने हस्पताल इतने आए, ऐसे टाइम अं धक्के खा के इतों चल गए हाँ। कल साढ़े जी नहीं इतने पूरे कोई आए, अं नहीं लाश कड़ी। अज अं लाश लेना, इन्हें आखिया मुलाजा करना, अं क्या कर दो मुलाजा करने वास्ते। साडे बंदे ने जो कंटी खोली आ, बिच गलिया पलिया पिया, पानी वगन दिया, मंदा हाल आ, कपड़िया तो पछाण आँगी तो साडा वा, बाकी मूँह तो उस तरह नहीं पता लगता तो गोपी आते कौन आ। मैं तो अज ऑफिशिएटिंग हैगा डॉक्टर, वैसे तो एस एम ओ साहब अज छुट्टी दे ने, तो मैनू तो अज ही पता लगा भी ये प्रॉब्लम हैगी है, मैनू नहीं इस तो बाद इसे करके मैं देखने आया भी हाँ की प्रॉब्लम हैगी। साडा प्रौणा जी, मैं चिंतपुरी तो आया हाँ। इतने दो दिन पहलों मंगलवार रात 9 बजे इतने पुलिस वाले साडे प्रौणे कैंडी में लवा के गए, इन्हें कस्टडी सी हॉस्पिटल आने की। तो भाई जी मंगलवार तो इन्होंने ना कैंडी में लगा रहा, अज इन्हें पोस्टमार्टम होना सी जी, तो अज कैंडी खोली गई। कैंडी का इन्ना बुरा हाल है, लाश फुल के बिल्कुल गल चुकी है, बंदा साडा पहचान च नहीं आ रहा। किसी भी हॉस्पिटल के कर्मचारी ने डॉक्टर ने किसी ने भी केयर नहीं की, दोबारा आके देखा नहीं भी मरीज़ अंदर सही है जां डेड बॉडी सही है जां नहीं है। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दौरान माँ दुर्गा के भक्त माँ की आराधना करते हैं, तो वहीं दुर्गा पूजा के दौरान देश भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंडाल लगाए जाते हैं। इसी के चलते अमृतसर के NRS ग्रुप की ओर से डांडिया करवाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रुप की राखी सोनी ने बताया कि अमृतसर में पहली बार करवाए जा रहे इस डांडिया में 200 के करीब महिलाएँ भाग ले रही हैं, जिसमें महिलाओं के लिए डांडिया के अलावा फैशन शो, सिंगिंग कंपटीशन के अलावा अलग अलग गेम्स करवाई जाएंगी, जिसमें विजेता रही महिलाओं को गिफ्ट भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में खाने पीने का पूरा सामान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम राखी सोनी है, हम NRS इवेंट ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर हैं। हम इवेंट का ग्रुप कर रहे हैं, इवेंट में डांडिया कर रहे हैं। ये डांडिया अमृतसर में फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल में हो रहा है। यहाँ पे पहले डांडिया के इवेंट्स होते हैं मोस्टली 50-60 लेडीज़ के साथ, ये 200 लेडीज़ का प्रोग्राम है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट है रीना चेतली, मिसेस पंजाब हनी चुग, और जो हमारे स्पॉन्सर है वो भी शहर के जाने माने हैं, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर निष्ठा और शक्ति ज्वेलर्स और अदर है जो हमारे साथ हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये हमारा 30 सितंबर को 2 से 5 शेल्टन में है। माँ दुर्गा के चल रहे नवरात्रों के पावन अवसर पर सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में चल रही नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के तीसरे दिन की शुरुआत भजन गायक कलाकारों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद आई हुई भजन मंडलियों ने माँ की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, गायक विजय कोड़ा सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇ
श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन जालंधर में नवरात्रों के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें चीनू सहगल एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर कॉमेडियन संदीप जीत पतीला और राहुल जीत ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान राजेश अग्रवाल, ए एल धवन, अनुराग अग्रवाल, अंशुमनपुरी, मोहिंदर प्रताप, विजय गुप्ता, नरगिस पत्रा, पंडित राजीव शर्मा ने आई हुई पार्टी को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लंबा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान मधुकर कत्याल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि चतुर्थ नवरात्र के दिन मां कुष्मांडा देवी जी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा भी कहलाई। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, सोनू छाबड़ा, बाबा खन्ना, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सांवरिया, मुनेश शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, ओंकार सिंह, पंकज, करण वर्मा, मुकेश चौधरी, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, देशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस सुनील वर्मा और परवीन सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज माँ बगला मुखी ताम जो कि गुलमोर सिटी च स्थित है, माँ पीतांबरा दे भव्य मंदिर दे विच आज वीरवार हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। माँ के दरबार से शरदीय नवरात्रियों के उपलक्ष्य वैसे भी लगातार 9 दिन विशेष रूप से महामई के निमित्त जिस तरह अज चौथा नराता माँ कुष्मांडा जी के निमित्त विशेष हवन यज्ञ के आहुतियां डाली गई और मंत्रोच्चारण के नाल महामई नूं प्रसन्न किया गया। अज माँ कुष्मांडा जी और भगवती बगला मुखी जी के निमित्त विशेष हवन यज्ञ होए है। मैं करवत प्रार्थना करदा समूह संगत नूं कि जिहड़ा भी कोई नव दुर्गा के हवन यज्ञ च शामिल होना चाहे वह माँ बगला मुखी ताम गुलमोर सिटी सवेरे 7 बजे हवन यज्ञ शुरू हो जाता है। उस तो पहला अपनी जगह सुनिश्चित करे। 7 बजे तो 8 बजे तक विशेष हवन यज्ञ चल रहे हैं जो कि 9वीं वाले दिन तक चलणगे। 9वीं वाले दिन विशेष रूप से कन्या पूजन होएगा। हवन यज्ञ का जिहड़ा पूर्ण आहुति दी जाएगी उस दिन तो विश्राम दिता जाएगा। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि दशहरे वाले दिन असी विशेष एक विशाल हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं। विजयदशमी के उपलक्ष्य सवेरे 6 बजे तो लैके महामई की इच्छा तक
हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। कोई भी उस मां भगत शामिल होना चाहता हो अपना सानू नाम लिखा सकता है तो जो लोड़ी समगरी का अरेंज असी कर सकी और हवन यज्ञ के महामाई का आशीर्वाद प्राप्त कर सकी। मैं करवत फिर प्रार्थना करदा कि महामाई के दरबार से जुड़ो सारिया आदिया व्याधियाँ हर पास्यों जड़ा है तुहाडे शत्रुओं का नाश होवे शारीरिक निरोगता मिले घर परिवार सुख शांति मिले। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से दमोरिया पुल नज़दीक प्राचीन शिव मंदिर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज गुरु मां नीरज रत्न सिकंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के जिला अध्यक्ष विशाल शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन जालंधर में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवा आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर परवीन कत्याल, विक्की विज, बब्बा अंगुराल, अमित गुजराल, प्रकाशदीप सिंह, अजय नारंग, राजेश मनचंदा, वरुण तनेजा, सुमित चावला, राकेश अंगुराल, संजय कक्कड़, रॉकी खुराना, केशव कत्याल, गीतिका कत्याल, शिखा वर्मा, पूनमदीप, गीता चुग, दिया ठाकुर, गीता, रमा जयरथ, शिव सहगल और कपिल सहगल सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। पता हो नवरात्रे चल रहे हैं, आज चौथा नवरात्रा मां कुश मंडा जी की पूजा अर्चना मां बंगलामुखी जी के रूप में की गई है। रोज रोजाना इतने हवन होगा, सारे नवरात्रे की मतलब पिछले 20 साल तो रोजाना हवन डेली हो रहा है। दूरों दूरों संगत आदि माँ का आशीर्वाद लेंदियाँ, दादी ने बहुत रहमदा पाइया, बहुत बहुत ही झोलियाँ भरिया। नव दुर्गा रामलीला समिति की तरफ से प्राइमरी स्कूल रामको फैक्ट्री के सामने गदईपुर में चल रही श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के दौरान पांचवें दिन सीता स्वयंवर का मंचन किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर प्रसिद्ध हास्य कलाकार संदीप जीत पतीला और आम आदमी पार्टी के नेता यशपाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर रिबन काटकर इस रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर दीपक सूरी, राम सिंह, वीपी गुप्ता, डॉक्टर सीताराम, सुशील शुक्ला, विक्रमजीत वर्मा, रमेश मिश्रा, महेंद्र राय, हरिराम प्रजापति सहित असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बहुत आभारी हूँ नवदुर्गा रामलीला समिति का, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे इतना मान सम्मान दिया। खास करके डॉक्टर सीताराम जी, राम सिंह जी, महेंद्र राय जी, मिश्रा जी, ये सभी मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं इनको बधाई के पात्र समझता हूँ, क्योंकि आज के युग में टाइम किसी के पास नहीं है और ये आप लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था लेकिन समय आगे नहीं देता क्योंकि सीन चालू है, इसलिए मैं फिर एक बार अपनी तरफ से नवदुर्गा रामलीला समिति को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।
सरदारनी जोगिंदर कौर, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन जालंधर में की गई, जिसमें श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई रविंदर सिंह ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय जोगिंदर कौर की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर गुरचरण सिंह चन्नी, डॉक्टर सतनाम सिंह, हरवीर कौर सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सरदारनी जोगिंदर कौर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नौजवान सभा माता रानी चौक प्रकाश नगर की ओर से एक शाम माँ भगवती के नाम माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक नीटू चंचल एंड पार्टी कैथल वालों ने देर रात तक माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और समाज सेवक रिक्की सहगल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें सभा के सदस्यों ने माँ की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर दिनेश कमल, राजेश शर्मा, अनिल वर्मा, रजत छाबड़ा सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन वर्मा की रिपोर्ट। आज माता रानी का पावन तीसरा नवरात्रा है, आप सब उसके दरबार अपनी हाजिरी भरने आए हो, कहिए जय माता दी, फिर कहिए जय माता दी, फिर कहिए जय माता दी, जय जयकार सारे मां दी गज के बुला दे, जय जयकार सारे मां दी गज के बुला दे, भेटा मैं सुनावा तुसी तालियां बजा दे, नहीं ते मैं सारियां नू झिड़का पवावा, नहीं ते मैं सारियां नू झिड़का पवावांगा, कल्ले कल्ले दी मैं भैया नू शिकायत लावांगा, कल्ले कल्ले दी मैं भैया नू शिकायत लावांगा। आओ एक बार और मेरे साथ हाजिरी भरो, माताओं बहनों आधे आधे हाथ नहीं पूरे पूरे हाथ ऊपर किया करो, और मैंने आपसे ज्यादा बार हाथ ऊपर नहीं करवाने, ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा। आई वो जय जयकार सारे माधे गज के बुला दो, जय जयकार सारे माधे गज के बुला दो, बेटा मैं सजावा तुसी ताड़ियां बजा दो, जयकार सारे माधे गज के बुला दो, बेटा मैं सलामा तुसी ताड़ियां बजा दो,
महाजन सभा पठानकोट की एक बैठक प्रधान नितिन महाजन लाड्डी की अध्यक्षता में गुरदासपुर रोड पर स्थित एक निजी होटल में की गई, जिसमें अखिल भारतीय महाजन सभा के नरेश महाजन, सभा के चेयरमैन हरबंस लाल, रविंदर महाजन सहित अन्य सदस्य भी शामिल हुए। इस मौके पर सभा के प्रधान नितिन महाजन ने कहा कि 2 अक्टूबर को शेरे डुग्गर लाला हंसराज महाजन जी का जन्म दिवस डांगू रोड महाजन हॉल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान सुबह 10:30 बजे हवन यज्ञ में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद लाला हंसराज महाजन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंत में किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाएगा तथा महाजन हॉल के नवीनीकरण के बारे में विचार विमर्श भी किया जाएगा। इस मौके पर रवि गुप्ता, रविंदर महाजन, विजय महाजन, नरेंद्र महाजन, राकेश महाजन, रमन महाजन, सुरेंद्र महाजन, कुलदीप महाजन, राजीव महाजन, सोमनाथ गुप्ता, सुशील महाजन, वेद प्रकाश, विकास महाजन सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। आज एक स्थानीय होटल में नितिन महाजन लाडी की अध्यक्षता में महाजन सभा की मीटिंग हुई, जिस विच ये प्रस्ताव पास किया कि लाला हंसराज का शेर डुगर उनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर नू दिन ऐतवार महाजन हाल पठानकोट टांगू रोड से मनाया जाएगा। उस दे विच सवेरे 10:30 बजे तो हवन किया जाएगा। उस तो उपरंत बाद विच जो भी चाह पानी का प्रोग्राम हैगा वो किया जाएगा। उस तो फिर जिहड़ी भी बाकी की गलबात होगी वो सारी सभा गाड़ी रखी जाएगी, ताकि वो जरा महाजन हाल का काम चल रहा है उस तो वह योगदान करिए, उस बिल्डिंग नू उस निर्माण नू जल्दी सिरे चढ़ाइए। अज महाजन सभा की अहदेदारा की एक मीटिंग सेंट्रल महाजन सभा के प्रधान साढ़े नितिन लाडी जी की अध्यक्षता च हुई है। शेरे डुगर लाला हंस जी का जन्म लाला हंसराज जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर न बड़ी श्रद्धा के नाल महाजन हाल जरा उसारी दे नाल एक चार चांद लाएगा साढ़े पठानकोट के विच उहदे च मनाया जा रहा, जिदे नवीं जड़िया भी कोई विचार वटांदरे होणगे उन्होंने जड़े भी सानू अपने आदमी जिन्हें भी साढ़े अहदेदार है ज हर महाजन बरादरी का जोड़ा भी कोई राय देगा साढ़े प्रधान साहब न असी उन्होंने सिरे चाड़ा। कैबिनेट के अहदेदारा की हाजरी के बीच हुई 2 अक्टूबर साड़ी महाजन बरादरी के संस्थापक स्वर्गीय श्री लाला हंसराज जी का जन्मदिवस है। उस प्रोग्राम सेंटर महाजन सभा किस तरह मनाएगी वो बारे चर्चा की गई सारे अहदेदारों सारे ने अपने विचार रखे। 2 अक्टूबर सवेरे 10:30 बजे टांगू रोड महाजन हाल के हवन का कार्यक्रम किया जाएगा। लाला जी को श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी। उसके बाद सारे सभा के लोग आपस बैठ के महाजन हाल टांगू रोड के नवीनीकरण के काम के बारे भी चर्चा की जाएगी। जो पिछला काम होया उसके बारे भी दसा जाएगा, जो अगली प्लानिंग है वो दी भी चर्चा की जाएगी। तो उसके तो बाद चाय नाश्ते का प्रोग्राम होएगा। मैं तुहाडे चैनल के माध्यम राही सारे शहर के महाजन भरावां नू मातावां नू भैणां नू बच्चों सारे आग्रह करता
सेंटर महान सभा के मंच तो कि सारे लोग 2 अक्तूबर को सवेरे 10:30 बजे ढंग रोड महान हाल में आन और हवन के अपनी उपति पान और सभा के कार्यक्रम के अपना योगदान दें अपने सुजेशन दें ताकि सभा दिन दुगनी रात चौगनी करती रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। लुधियाना में पुलिस कर्मचारी की महिला दोस्त ने खुद को मारी गोली, इलाज दौरान हुई मौत। फरीदकोट की थाना सिटी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को किया काबू, 7 चोरीशुदा मोटरसाइकिल किए बरामद। लुधियाना पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को माननीय अदालत में किया पेश, 14 दिन का पुलिस रिमांड किया हफ्ते। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।